नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। आप सबों के सुख शांति और समृद्धि की मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज बजरंगबली श्री हनुमान जी की जयंती है, तो इस सुअवसर पर आप सबों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। श्री बजरंगबली जो हैं, ये संपूर्ण शक्ति के दाता हैं और संपूर्ण आरोग्य के दाता हैं। देखिए, आप लोगों को पता है, अधिकांश लोगों को, कि मैं कोविड में पड़ गया था और अभी भी पूरी तरह निकला नहीं हूँ। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। कंटिन्यूअस 15 दिनों तक भयंकर फीवर में रहा हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं ला पाया बीच में, लेकिन जितना बन पाया मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने कई बार बताने की कोशिश की। अभी भी बहुत अटेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी बहुत फोकस नहीं कर पा रहा है ब्रेन मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भयंकर फीवर से गुजरा हूँ। शरीर के अंग प्रत्यंग जो है, ऐसा लगता है जैसे चकनाचूर हो गए हों। लेकिन अब लगता है कि भगवान की कृपा से, आप सबों के शुभाशीर्वाद से, एक बार फिर से शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। अब रेगुलर वीडियोस लाने की चेष्टा करूंगा। हो सकता है बहुत रेगुलर अभी भी नहीं हो पाए। एक शेर से शुरुआत करना चाहता हूँ। ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो ये एक लंबी शाम है गम की। इसमें बहुत सारे, पूरे देश में बहुत से लोग फंसे हुए हैं इस भयंकर बीमारी में। उन सभी देशवासियों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सभी बहुत जल्दी आरोग्य हो जाएं, निरोग हो जाएं और फिर से अपनी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर लें। और ये जो 15 दिन मैंने गुजारे हैं, इसमें जो आप लोगों का जबरदस्त प्रेम प्राप्त हुआ है, अभूतपूर्व स्नेह प्राप्त हुआ है, शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं अपने हृदय से उस तमाम शुभकामनाओं के लिए, शब्द तो नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं हृदय से आभारी हूँ और आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जो इतना प्रेम दिया है, जीने के लिए इतनी वजह काफ़ी है। मैं कुछ लोगों के नाम डेफिनेटली गिनाना चाहूँगा यहाँ पर, जिन्होंने इसमें बहुत कृपा पूर्वक बार बार अपनी शुभकामनाओं से, अपने सदिच्छाओं से मुझे अनुग्रहित किया है। देखिए, लास्ट वीडियो जो था मेरा, ये था वीडियो नंबर 155, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट पोस्ट डाल दिया था कि अब मैं नहीं इस समय वीडियो बना पाऊंगा। आप सबों से एक छोटी सी गुजारिश ये है कि टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार वीडियो लाने की अगर स्थिति नहीं बनती है तो कई बार मैं शॉर्टकट में टेलीग्राम चैनल पर सूचनाएं उपलब्ध करवा देता हूं। जैसे इस बीच में एक हिकाल, HIKAL, हिकाल पर मैंने आप लोगों को बताया था टेलीग्राम चैनल पर, और वो बहुत ज़बरदस्त चला। हिकाल ने आज 20% का लगभग सर्किट मारा। तो आप लोग कृपा करके, सभी लोगों को कहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो सारे मित्र जिन्होंने बार बार बहुत सी शुभकामनाएं भेजी हैं, नाम लेना चाहूंगा मैं फणी कुमार जी का। इन्होंने कई बार यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी मेरे तबीयत के बारे में पूछा है, और संजय आचार्य जी, सुनील मेहता जी ने कई बार पूछा है, सर आपकी तबीयत कैसी है। देखिए, आप सबों के शुभकामना से ही वापस खड़ा हो पाने में सक्षम हुआ हूँ, और अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन आपकी शुभकामना और आपके आपका आशीर्वाद बना रहा तो डेफिनेटली मैं फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष उसी दृढ़ता से, उसी शक्ति से फिर से वो सारे वीडियोज़ ला पाऊँगा जिस तरह ला पा रहा था मैं पहले। शिवशंकर दीक्षित जी ने एक पूछा है, जय श्री राम सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आप कैसे हो इस कोविड के समय में, आप अपना ध्यान रखना। और राहुल जाने जी पूछ रहे हैं, कहाँ हो भाई, सब ठीक? तो आप लोग ये जान लीजिए कि मैं बहुत भयंकर स्थिति में था। तो आप सबों को बारंबार काम करता हूँ मैं। हिमालय चौहान जी लिखते हैं, जय श्री राम, हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हिमालय चौहान जी। शक्ति शर्मा जी बहुत स्नेह करते हैं, इन्होंने स्पीडी रिकवरी के लिए शुभकामना व्यक्त की है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज शाह जी लिखते हैं, सर व्हेन यू विल बी बैक, तो नाउ आई एम बैक, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई विल बी बैक बाई वॉट डेट, बिकॉज दैट डेट यू नेवर डिसाइड, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इसीलिए फिरोज जी अब आ गया हूँ। सुनील मेहता जी बार बार लिखते हैं, सर आपकी तबीयत कैसी है। शिवशंकर दीक्षित जी लिखते हैं, हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। कई सारे मित्रों ने और भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, शायद उनको पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ, और मेरे शायद उस पोस्ट को उन्होंने देखा नहीं था कि मैं बीमार हूँ, या टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने बताया था, वो भी उन लोग वो लोग नहीं देख पाए थे। कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। करण कबीर जी ने पूछा है, रुचिका चौहान जी ने गुलशन पॉलीओल्स का टारगेट पूछा है, वगैरह वगैरह, तो वो सब तो मैं नहीं बता पाया आप लोगों को,
क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। मोहन चौधरी जी ने लिखा है, जय श्री राम, टेक केयर प्लीज़, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील मेहता जी ने बड़ा इनकरेजिंग लिखा है, किल पेस्ट 380 हो गया, गुलशन पॉलियोल 140, IX360, लेकिन अब ये सब के सब काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। फनी कुमार जी लिखते हैं, हेल्थ कैसा है सर। कुछ टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ ऐसे मित्रों ने जो कमेंट्स किए हैं, उनके भी नाम डेफिनेटली लेना चाहूँगा। रवि जैन जी अप्रैल 19 को लिखते हैं, गेट वेल सून सर। अरुण मदाथिल जी लिखते हैं, हाउ आर यू सर, होप यू आर फाइन। एन के नाम से आते हैं, सर कैसे हो आप, पता नहीं ये कौन है, मतलब इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो कोई भी हैं आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबों ने जो बहुत स्नेहाशीष भेजा है मैसेजेस के द्वारा। ए के लिखते हैं, टेक केयर, टेक रेस्ट एंड होप नॉट इट्स एनीथिंग बैड। तो बुरा समय तो बीत ही चुका है। महेश भाई तिवड़िया जी लिखते हैं, सर सर जी आपके वीडियो क्यों नहीं आते, एवरीथिंग इज़ ओके ना। तो अब तो ठीक है, अब तो महेश जी को पता भी चल गया है कि मैं बीमार था और अब ठीक हूँ। सत्येंद्र यादव जी लिखते हैं, गेट वेल सून सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, नमन है आपको मेरा। शुभ जी लिखते हैं, आई विश यू ए स्पीडी रिकवरी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कुंतल जी आपको प्रणाम है मेरा, आपने एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया और वो लिस्ट मेरे काफ़ी काम आया, क्योंकि इसमें बहुत सारी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जो सहजता से उपलब्ध नहीं होते। और जैसा कि आपने लिखा है कि आप खुद भी इस स्फेयर में काम कर रहे हैं, इसी फील्ड में काम करते हैं, और आपने बल्कि कहीं आगे बढ़कर कहा है कि आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इन सबका आभार मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगा आपको, मैं सदैव आभारी रहूंगा, आजीवन आभारी रहूंगा, आपने जीवन भर के लिए ऋणी बना लिया है मुझे। रवि मोदी जी लिखते हैं, गेट वेल सून, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, सदा भगवान आपको खुश रखे। फूल कंवर जी लिखते हैं, मे गॉड रिकवर यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एन के नाम से हैं, आप जल्दी ठीक होंगे सर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत मेरा प्रणाम आपको। एक घोस्ट रेकॉन के नाम से हैं महोदय, वो भी जय श्री राम लिखते हैं और मुझे विश करते हैं अच्छे हेल्थ के लिए, और श्री राम नवमी की बधाई भी देते हैं। आप सबों के लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। मानसी शर्मा जी लिखती हैं, गेट वेल सून, विशिंग फॉर योर स्पीडी रिकवरी। तन्मय महापात्रा जी लिखते हैं, आप जल्द ठीक हों, कोरोना टेस्ट करवा। संतोष जी आपको मेरा बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमन, सदैव स्नेह बनाए रखिए। सचिन गोविंद हल्दंकर, इन्होंने भी एक बहुत बड़ा लिस्ट भेजा है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो इस लिस्ट से भी आप सबों को काफ़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं, पर्टिकुलरली जो लोग कोविड से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे मित्रों ने जो प्राकृतिक उपचार के नुस्खे भी सुझाए हैं, उन सब के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार है, मेरा नमन है। खुशी गारमेंट्स लाल बाबू पांडे जी, ये भी बीमार पड़ गए हैं और इन्होंने मुझे शुभकामना भेजी है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, और आज हनुमत जयंती है, प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। और आप ठीक हो जाएं तो कृपा करके दो शब्द इस बात के लिए जरूर लिखें कि आप ठीक हो चुके हैं, क्योंकि मेरी चिंता आपके साथ बनी हुई है। विजय चिड़िया जी ने भी गेट वेल सून सर लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपको मेरा नमन है, मेरा आभार है। सत्यम राठी जी लिखते हैं, ईश्वर से ही प्रार्थना है आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी आपको, तब मैं ठीक हो रहा हूँ, देखिए आपका आपकी शुभकामना काम आ रही है। स्वराज पाटिल जी लिखते हैं, गेट वेल सून सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज जी, आप भी सदैव बने रहे साथ, स्नेह से, आप लोगों के प्यार से वापस उठकर खड़ा हो गया हूँ। लाल बाबू पांडे जी लिखते हैं, सर आप रेस्ट कीजिए, बस आपको कुछ नहीं होगा। देखिए कितना प्रेम है और ये प्रेम फूट ही पड़ता है। कुछ समय से कुछ लिख नहीं रहे थे, लेकिन पता चला कि ये खुद ही इतने बीमार हैं और उस बीमार की अवस्था में भी मुझे शुभकामना दे रहे हैं। तो लाल बाबू जी आप डेफिनेटली जल्दी से ठीक होंगे। आप मेरे से अगर कोई सुझाव चाहिए होगा तो मैं भी डेफिनेटली बताऊंगा। आप में से किसी को कोई भी कोविड पर सुझाव चाहिए हो तो बताइएगा। मैं होम्योपैथ जानता हूँ, तो होम्योपैथ कई सारी दवाइयाँ जो बड़ी चमत्कारी ढंग से काम करती हैं वो भी बता सकता हूँ आप लोगों को। नंदा तिरोड़कर जी ने लिखा है, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी, सदैव आभारी हूँ आपका, आपने कई बार मुझे अपना आशीष भेजा है, आशीर्वाद भेजा है। रवि जैन जी लिखते हैं, सर पहले आप जल्दी से रिकवर हो जाइए, बस हम इतना ही चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपको नमन है मेरा, सदैव आप अपना स्नेह बनाए रखिए। अभिषेक चौहान जी लिखते हैं, गेट वेल सून सर। राजेश नरूला जी लिखते हैं, गेट वेल सून सर। और युधिष्ठिर जी लिखते हैं, विश यू गुड हेल्थ एंड गुड लक, जय श्री राम। तो अभिषेक जी आपको मेरा प्रणाम, राजेश जी आपको मेरा प्रणाम, युधिष्ठिर जी आपको भी मेरा प्रणाम। इसी तरह का प्रेम बनाए रखिए। स्टॉक मार्केट में पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन आदमी का प्रेम अगर मिल जाए ना, तो उससे बड़ा कोई धन नहीं होता।
आप सबों का स्नेह प्राप्त हुआ, इससे बड़ा धन कुछ हो नहीं सकता मेरे। निशित प्रजापति जी लिखते हैं, गेट वेल सून। बहुत बहुत धन्यवाद निशित जी, मेरा प्रणाम आपको। मानसी जी लिखती हैं, सर माई ब्रदर इन लॉ इज ए लीडिंग डॉक्टर, डू लेट मी नो इफ एनी मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड, मे गॉड ब्रिंग यू बैक ऑन योर फीट सूनर देन लेटर, गेट वेल सून सर। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, आपके शुभकामनाओं का प्रभाव देख लीजिए, बोलने के काबिल हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मेरा नमन आपको, सदैव इसी तरह का आशीष बनाए रखिए। दीपक जी लिखते हैं, सर ईश्वर से ही कामना है आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, श्री राम की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, सदैव इसी तरह का प्रेम बनाए रखिए, और ईश्वर से हमारी भी यही प्रार्थना है कि आपको कोई बाल बांका ना हो आपका। सुधा सनील जी लिखती हैं, प्लीज टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान सदैव आपको प्रसन्न रखे। अरुण जी लिखते हैं, टेक केयर सर, गेट वेल सून। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। युधिष्ठिर जी ने लिखा है, पैनेसिया बायोटेक, जो कि इसके पहले सबसे लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें 30% प्रॉफिट उन्होंने बुक कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अभी रहता तो शायद 50% तक चला गया होता, क्योंकि अभी तो करीब करीब मैंने 240 के आसपास आप लोगों को बताया था, अभी 387 पर आज सर्किट पर था, ये कंटिन्यूस सर्किट पे है लगातार, 3 तो 10-10% का सर्किट पारा, फिर बीच में थोड़ा अप डाउन करके फिर 5-5% का सर्किट कल और आज 2 दिन से फिर लगाया है। तो करीब करीब अगर आप लोअर लेवल से अभी तक देखेंगे तो लगभग 45-50% के आसपास का गेन ये दे चुका है। चलिए 30% आपने बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है युधिष्ठिर जी, मेरी बधाइयाँ बहुत सी। लर्निंग पार्क लिखते हैं, सर गेट वेल सून, आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, अगर अपना नाम देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि लर्निंग पार्क के नाम से तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत नाम से बहुत अच्छा लगता है, एक अपना तो सा एक प्रेम सा लगता है। मेरा नमन है आपको। और फिर भूपेंद्र जी लिखते हैं, गेट वेल सून। भूपेंद्र जी बहुत बहुत नमन है मेरा आपको, सदैव इसी तरह का प्रेम बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए। सर आप जल्द ठीक हो जाइए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बबीता रावत जी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, इसी तरह का स्नेह बनाए रखिए। रवि जैन जी लिखते हैं, भगवान आपको जल्दी ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, मैं सदैव आपका आभारी हूँ, देखिए आपके स्नेह से ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे मैं। लर्निंग पार्क लगातार 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को लगातार मैसेज भेजे हैं इन्होंने, सर हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सर गेट वेल सून, वगैरह वगैरह लगातार भेजे हैं। तो लर्निंग पार्क आप अपना नाम जरूर बताइएगा और बदल लीजिएगा नाम, यहाँ पे अच्छा लगता है आपको आपके नाम से पुकारना, लर्निंग पार्क के नाम से पुकारने में पता नहीं थोड़ी सी झिझक होती है मुझे, आपको प्रणाम करता हूँ, और अपना नाम बदल लेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे आपको। फिर एक इन के नाम से भी हैं, अब जो भी हैं मैं कहूँगा कि आप भी अपना नाम डेफिनेटली बदल लीजिए, आपको नाम से पुकारने में अच्छा लगेगा मुझे। लिखते हैं, सर कैसे हैं आप, आईजी करके हैं, उन्होंने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है, अगर अपना नाम आप सब लोग देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। घोस्ट रेकॉन, अब ये भी कोई, जो भी हैं इन्होंने बहुत बार मुझे शुभकामनाएं भेजी हैं पर नाम नहीं पता है, इसीलिए मैं इनको इनके नाम से नहीं बुला पा रहा हूँ। सब लोग अपना नाम डेफिनेटली बताइए, नाम बदल लीजिए, यहाँ पर अपना प्रॉपर नाम लिख आपका अगर चैनल पर आएगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, कम से कम टेलीग्राम चैनल पर तो प्रॉपर नाम होना ही चाहिए, अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है हमारा आपका। अरुण मदाथिल जी लिखते हैं, नाइस टू हियर यू आर फाइन। ए के लिखते हैं, गुड टू नो यू आर गेटिंग बेटर, टेक केयर। सचिन गोविंद हल्दंकर जी लिखते हैं, वेरी गुड, नाइस टू हियर फ्रॉम यू, ओम नमः शिवाय। तो अरुण जी, ए के जी और एन के नाम से जो भी हैं वो उनको भी, और सचिन गोविंद हल्दंकर जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बबीता रावत जी भी कंटिन्यूस पूछती रही हैं, तो सदा आपके स्नेहाशीष के लिए आपका आभारी हूँ मैं बबीता जी। रवि जैन जी लिखते हैं, आज आवाज़ काफ़ी सही है पहले से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदा जी लिखती हैं, सर टेक केयर। और महेश भाई तिवड़िया जी बहुत प्रसन्न होकर कई सारी चीज़ें लिख रहे हैं, जिसमें कि वो ये भी लिख रहे हैं, सर किलपेस्ट इज रॉकिंग, सुप्रीम पेट्रो इज ऑल्सो रॉकिंग, यू आर जीनियस, गेट वेल सून, आई विल प्रे टू गॉड, प्लीज टेक केयर यूर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मानसी जी लिखती हैं, होप यू आर फाइन, इफ़ एट ऑल पॉसिबल प्लीज शेयर एन अपडेट ऑन योर हेल्थ, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्यूटी सिंह लिखते हैं, गुड टू हियर योर वॉइस, गेट वेल सून कम्प्लीटली, बहुत धन्यवाद आपको युधिष्ठिर जी। रवि जैन जी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जैन जी। सत्यम राठी जी आज लिखते हैं, हिकाल रॉकिंग सर, हिकाल में आज 20% सर्किट था, मैंने बताया था आप लोगों को, ईश्वर से ही प्रार्थना है आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। सत्यम जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। तो ये आप सब लोगों की शुभकामना थी, आशीष था, प्रेम था,
और अगर मैं ये आप लोगों से शेयर नहीं करता तो मुझे लगता है कि मैं अन्याय करता। इसलिए मैंने आप सबों का नाम लिया है, जिन लोगों ने हृदय से मेरे लिए थोड़ी सी भी प्रार्थना की है और जिन्होंने नहीं भी की है, उन सब के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को सदैव सुखी और सानंद रखें। देखिए, इस बीच में बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत ज़ोरदार धूम मचाई है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सब आप लोगों को बताया था हिकाल के बारे में। हिकाल में लगभग 212 के आसपास एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया, और तभी मैंने कहा था कि इसमें रफली 20% के आसपास आप गेन मान कर चलिए। ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने बताया था, इस बीच में जब मैं बीमार था तब की बात है, ये मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने हिकाल को नंबर वन पे रखा है ताकि वो सभी लोग जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले तो वो ज्वाइन कर लें, और दूसरी बात उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिकाल ये एक बेसिकली केमिकल बनाने वाली और एग्रोकेमिकल बनाने वाली कंपनी है, जिसका एक पोर्शन एग्रोकेमिकल को भी है और एक एक पोर्शन थोड़ा बहुत पोर्शन फार्मा के लिए भी है और स्पेशलिटी केमिकल के लिए है। तो इसमें करीब करीब 20% का मैंने बताया था कि अपसाइड होगा, और आज ही इसमें 20% का सर्किट था, यानी कि इसमें एक ज़ोरदार बूम तो आ ही चुका है। और 212 से चलते हुए आज हिकाल ने लगभग 254 के आसपास पिछले 2 दिनों में, 212 से चलते हुए हिकाल 254 के लेवल को इसने टच कर लिया है, और इसमें करीब करीब 20-22% का गेन तो आपको मिल ही चुका है ऑलरेडी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी हिकाल में और भी अपसाइड बाकी हो सकता है। अब चूंकि एक बार बहुत चल चुका है, तो मेरा ये सुझाव है कि इसमें आप लोग सिर्फ अपना 50% पैसा ही यहाँ पर लगाइए, क्योंकि अगर गिरेगा तो फर्दर अपॉर्चुनिटी देगा आपको। इसका जो अभी नेक्स्ट टारगेट मैं देखता हूँ, 270 तक देखता हूँ, और ये टारगेट 1 मंथ टू 3 मंथ के लिए है। तो अगर आप 254 पर अभी खरीदिए और कहीं ये नीचे फर्दर मिल जाता है आपको करीब 225-230 के आसपास, तो वहाँ इसको फर्दर एक्यूमुलेट करिए, तो आपका जो एवरेज प्राइस होगा रफली 240 के आसपास, 245 के आसपास से अगर 270 को काउंट किया जाए, तो भी एक बढ़िया इसमें करीब करीब 10-12% का अपसाइड मुझे दिखता है। डायामाइंस क्यू, ये मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 136 में बताया था, और मैंने कहा था कि इसमें बहुत अच्छे ट्रिगर्स हैं और ज़ोरदार इसमें ग्रोथ होने वाला है। तो अभी देखिए, मैंने आप लोगों को लगभग 280 के आसपास डायामाइंस को बताया था, और आज ये चला गया है 368 के आसपास, और यहाँ जो गेन मिला है लगभग 30% के आसपास गेन मिला है। पर 1 मंथ टू 3 मंथ का अगर लेवल आप पूछें तो मुझे लगता है अभी इसमें बड़ा अपसाइड बाकी है, और ये 450 तक जाना चाहिए। पर अगेन आप लोगों को कॉशन दूंगा, ऑलरेडी इसमें 30% का मूवमेंट आ चुका है, तो इसीलिए कहीं इसके इसके रिजल्ट को वॉच करिए। अगर इसका रिजल्ट बेहतरीन आता है तो फिर इसमें और भी पोजीशन बनाइएगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 50% पैसा लगाइएगा, बाकी एक्यूमुलेशन के लिए बचा कर रखिएगा। मैं टिन प्लेट की बात कर लेता हूँ। टिन प्लेट को मैंने वीडियो नंबर 154 में बताया था आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को, ये जो लास्ट वीडियो था मेरा 155 वाला, उससे ठीक पहले का वीडियो था जिसमें मैंने टिन प्लेट की चर्चा की थी। देखिए, टिन प्लेट को आप लोगों को 175 के आसपास सुझाया था, और वहाँ से देखिए आज चलते हुए इसने लगभग 190 का लेवल टच कर लिया है। बहुत कम समय में एक ज़ोरदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको। सिर्फ आज के दिन इसमें 9% की तेजी थी। अभी मुझे लगता है टिन प्लेट इसका जो लाइफ हाई है वो लगभग 190 के आसपास है, तो यहाँ से अभी भी इसमें एक बढ़िया अपसाइड मुझे दिखता है, और वो अपसाइड होगा कम से कम 210 रुपये का, यानी कि अभी भी 9-10% का अपसाइड इसमें डेफिनेटली बचता है। अगर आपका एवरेज प्राइस लगभग 180-185 के आसपास आता है, कुछ पैसा 50% के आसपास खरीदिए, फिर थोड़ा सा फॉल करता है तो वहाँ जाकर एक्यूमुलेट करिए। अगर 185 के आसपास मुझे लगता है आपको एवरेज प्राइस मिल जाना चाहिए, तो वेट करिए। 1 मंथ टू 3 मंथ का टारगेट जो है वो 210 है, और कम से कम 10-12% का अपसाइड तो डेफिनेटली है इसमें अभी भी। ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये सब कंजर्वेटिव फिगर मैं हमेशा देता हूँ। आप देखते हैं कि मेरे जो स्टॉक्स हैं वो कितने बड़े बड़े गेंस देते हैं। मैं बात करना चाहूंगा गुलशन पॉलीऑल की। देखिए, गुलशन पॉलीऑल एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने बहुत दिनों से, मैं लगातार आप लोगों को कहता आ रहा हूँ और हमेशा अपडेट देता रहता हूँ। सबसे पहले मैंने वीडियो नंबर 77 में आप लोगों को बताया था इसके बारे में जोर शोर से, फिर उसके बाद बीच बीच में चर्चा करता रहा, फिर मैंने वीडियो नंबर 115 में बताया आप लोगों को, और उसके बाद फिर से एक बार वीडियो नंबर 154 में आप लोगों को फिर से एक बार कॉशन दिया था कि इसमें बहुत बड़ा गेम आने वाला है, और बहुत बड़ा गेम इसमें हुआ। देखिए, सबसे पहले तो 65 के आसपास आप लोगों को बताया था, वहाँ से 110 चला गया,
करीब करीब 80-90% का तो गेन यहाँ पर आपको दे चुका था ऑलरेडी ये। फिर 110 से घटकर जब 90 पे आया, तब से मैं आप लोगों को लगातार इन वीडियोस के माध्यम से बताता रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ा गेन आने वाला है, बहुत बड़ा गेन आने वाला है वगैरह वगैरह। अभी देखिए गुलशन पॉलीवॉल जो है 90 से चढ़ते हुए अभी आज चला गया है लगभग 152 पे, यानी कि 70% के आसपास का गेन फिर से इसने दे दिया है, और ये बहुत थोड़े समय में दिया है। देखिए 150, ये आज से 10-12 रोज पहले या 13 रोज पहले मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 154 दिया था, और इन 12-13 रोजों में ही देखिए कितना भयंकर गेन इसने दिया है, देख रहे हैं। तो गुलशन पॉलीवॉल में अभी भी अपसाइड बचता है, लेकिन अपसाइड बचता है का मतलब ये नहीं है कि इसको आप धुआंधार खरीदारी यहाँ पर करके बैठ जाइए और फिर कहीं गिरा तो फिर आप परेशानी में पड़िए। तो सिर्फ 50% पैसा यहाँ पर लगाइए, और हो सकता है कि अभी मार्केट का फॉल फिर से दोबारा आएगा एक साइकिल, तो उसमें आपको कहीं ये अगर 120 के आसपास मिल जाए, 110 to 120 के आसपास मिल जाए, तो वहाँ एक्यूमुलेट करिए। डेफिनेटली इसका जो टारगेट है वो 160 ही दूंगा मैं इस समय, लेकिन अगर 110-120 के आसपास एक्यूमुलेट आप करते हैं तो भी आपका गेन यहाँ पर अच्छा खासा 20-25% का बनता है। देखिए ये एक हाई बीटा स्टॉक है, यानी कि बहुत जल्दी मार्केट के साथ ऊपर भागता है और बहुत जल्दी नीचे भी गिरता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 20 से 25% के गेन के लिए गुलशन पॉलीवॉल को आप एक्यूमुलेट करिए, जैसा कि मैंने बताया। स्टॉक नंबर 5 की चर्चा करूंगा मैं, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज भी खूब कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले वीडियो नंबर 72 में मैंने चर्चा की थी, और उसके बाद कंटिन्यूअसली भी चर्चा की है। देखिए इंडिया एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक है, इसको लेकर अगर आप होल्ड भी करते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको 2-3 सालों के अंदर अंदर, 2 साल में 3 साल में डबल तो डेफिनेटली कर देगा आपके पैसे, इससे भी कम समय में कर दे, लेकिन फिर भी अपनी ओर से मैं बता रहा हूँ। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक है जो मोनोपोलिस्टिक है अपने बिजनेस में, जाकर इस वीडियो को देखिएगा आपको काफ़ी फायदा होगा। अभी क्या है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ऑलरेडी एक बार आपको बहुत बड़ा मूव दे चुका है, करीब करीब 240 के आसपास मैंने आप लोगों को सुझाया था, वहाँ से बढ़ते हुए 390 का लेवल इसने टच कर दिया था, तो ऑलरेडी इसमें एक बहुत बड़ा गेन ऑलमोस्ट 60% के आसपास का गेन मिल चुका था आपको। अभी वहाँ से नीचे गिर के 340 पर आया, अभी फिर से इसने 390 को टच कर दिया है मुझे लगता है, और वहाँ से गिर कर अभी लास्ट जो प्राइस था इसका 376 के आसपास था, फिर से अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। जो लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं कर लें, 1 month to 3 month में इसका टारगेट मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ 450, तो इसलिए इस टारगेट को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ से जो परसेंटेज बनता है गेन परसेंटेज 20 से 25% के आसपास। स्टॉक नंबर 6 की बात करता हूँ मैं, किलपेस्ट। जिन लोगों को याद हो वीडियो नंबर 134 में मैंने आप लोगों को किलपेस्ट को सुझाया था, रिकमेंड किया था, और उस समय इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 280 था। उसके बाद भी 2-3 वीडियोस में मैं बताता रहा हूँ कि इसका प्राइस कम है, कम चल रहा है, पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए, मेरा काम है कहना, मैं कहता हूँ, अपना काम जरूर करता हूँ मैं। देखिए 280 से चलता हुआ इसने 487 का लेवल आज टच कर, यानी कि अगर आप देखें तो किलपेस्ट ने 80% के आसपास का गेन आपको इतने थोड़े दिनों में ही दे दिया है, 20-25 दिनों में, देख रहे हैं। मैं तो कह ही सकता हूँ, आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ, बहुत तेज ऊपर जाता है, बहुत तेज नीचे आता है, सर्किट में ही अक्सर रहता है। इसमें थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली इसको अगर आप पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, पहले इसमें 20% पैसा ही लगाइए, फिर इसको थोड़ा गिरने दीजिए। देखिए इसका लाइफ हाई जो है 525 के आसपास है, तो लाइफ हाई को तो डेफिनेटली टच करेगा, और वहाँ से फिर हो सकता है और नीचे रिबाउंड करे, नीचे आ जाए। अभी 460 पर लास्ट प्राइस इसका, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 460 था, तो इसको अगर आप 20% यहाँ पर खरीद लेते हैं 460 के आसपास, तो थोड़ा वेट करिए, अगर एक्यूमुलेट करते रहिए फॉल्स में, आपका एवरेज प्राइस 400 के आसपास आ जाता है, और यहाँ से 525, ये डेफिनेटली 400 के का एवरेज प्राइस मिलना है, इसमें कोई कठिन नहीं है, मिल जाएगा आप, या तो अपर सर्किट में ही रहता है या लोअर सर्किट में रहता है ये स्टॉक, तो यहाँ से 525 को देखें तो मुझे लगता है कि लगभग 25% के आसपास का गेन अभी भी किलपेस्ट में बचता है। किलपेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला और बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, इसको देखिएगा, वीडियो नंबर 134 में मैंने बताया है पूरे डिटेल में, इसको डेफिनेटली देखिएगा जाकर। ये लास्ट स्टॉक है, ये है सुप्रीम पेट्रो। सुप्रीम पेट्रो को आप लोगों को अगर याद हो मैंने आप लोगों को 390 के आसपास सुझाया था, 700 के आसपास चलाया है, और यहाँ पर भी लगभग 80-90% के आसपास का गेन आपको मिल चुका है। देखिए मेरे विचार में सुप्रीम पेट्रो ऑलरेडी बहुत चल चुका है, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस समय इसको एग्जिट कर दीजिए,
कोशिश करिए कि जब ये फॉल करे और कहीं 500 टू 550 के आसपास उस फॉल में आपको मिल जाए, वहाँ इसको खरीदिए। टारगेट रहेगा 700 जहाँ पर ये ऑलरेडी है, और यहाँ से करीब करीब 20% का, 20 से 25% का गेन आपको मिल सकता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा था क्योंकि बहुत सारा समय तो मैंने अपनी बात कहने में बिता दी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये जो तमाम स्टॉक्स मैंने बताए हैं, इन पर नज़र बनाए रखिए, और मिलता हूँ आप लोगों से एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो में कल फिर से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए इसको अपने मित्रजनों परिवारजनों के साथ, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।